ये चुनाव भविष्य की राजनीति तय करेगा। वो राजनीति जो जनताओं की भावनाओं का ख्याल रखकर सत्ता में जनता की सेवा कर रही है, और जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, जयराम ठाकुर जी का मैथमेटिक्स कमजोर है। 62 का हाउस है, 62 के हाउस में 34 हमारे विधायक अभी हमारे पास है, उनके पास 25 विधायक है। मान लीजिए कि 6 इनके विधायक जो अभी चुनाव में बिके हुए विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनको पसंद करते हैं, ना बीजेपी के कार्यकर्ता उनको पसंद कर रहे हैं, अगर वो चुनाव भी जीत गए तो 25 और 6 कितने हो गए? 31। हम कितने हो गए? 34। 3 जो आजाद विधायक हैं उनका भी चुनाव होना है। कब होना है, किसके साथ होना है, तब वो कहेंगे उस समय सरकार बनाएंगे। वो 5 साल आने वाले नहीं है। उन्होंने जो दर्जी के पास कोट सिलने को दिया हुआ है वो उसी दर्जी के पास रहेगा उनका, तो उनको यह बोल देना। और अब उन्होंने महंगा सूट खरीदा होगा क्योंकि सोचा होगा, सपने तो देखने हैं ना। उन्होंने 29 तारीख का सूट दिया हुआ, पता लगा कि दर्जी से भी सूट को वापस नहीं लिया है इन्होंने, तो बोलना वो अगले 5 साल बाद अगर जनता उनको चाहेगी, अगर जनता उनको चाहेगी, अगर हमने अच्छा काम किया तो हमें चाहेगी। तो ये जनता तय करती है, जयराम ठाकुर जी तय नहीं करते। तो उनको बोलो कि मैथमेटिक्स में थोड़ी सी निपुणता हासिल करें।